हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं वेरी का एक हिडन न्यूज़, जो मुझे लगता है कि आपको नहीं पता। तो चलो शुरू करते हैं। देर आर टू यूजेज ऑफ वेरी। पहला यूज है एज एन एडवर्ब और दूसरा यूज है एज एन एडजेक्टिव। अगर हम एज एन एडवर्ब की बात करें तो पहले समझ लेते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट सम वर्ब, एडजेक्टिव और सम अदर एडवर्ब्स। ओके, जैसे ही रन्स क्विकली, तो यहाँ पे क्विकली क्या है हमारा एडवर्ब। जब हम इसे एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो वेरी का मतलब होता है बहुत, और इसका यूज आपको बहुत अच्छे से पता है। ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, आई इंजॉयड वेरी मच, ही इज़ वेरी टायर्ड, शी इज़ वेरी गुड टेलर, है ना? ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अब हम जिस हिडन यूज़ की बात कर रहे थे, अब उस पर आते हैं। जब हम इसे एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तब इसका मतलब होता है यही या वही। क्या होता है? यही या वही। और एडजेक्टिव क्या होता है? ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन। When it is used as an adjective, it always takes the। जब हम इसे adjective की तरह use करते हैं तो इससे पहले हम हमेशा the use करेंगे। It is never used in simple sentences, यानी कि इसको simple sentences में use नहीं करते हम, इसको use करते हैं complex sentences में। Relative conjunction comes after it, इसके बाद relative conjunction आती है, यानी कि where, but, which, that, whose, whom, etc. Okay? द वेरी का यूज एम्फेसाइज के लिए होता है, यानी किसी बात पर जोर देने के लिए। चलो इसको सेंटेंस की हेल्प से हम समझ लेते हैं। दिस इज द वेरी ड्रेस विच आई वॉन्टेड। यह वही ड्रेस है जो मुझे चाहिए थी। यू आर द वेरी पर्सन हुम वी वॉन्टेड फॉर दिस जॉब। तुम वही इंसान हो जो हमें इस नौकरी के लिए चाहिए थे। दिस इज द वेरी बुक विच रिया वॉन्टेड। यह वही बुक है जो रिया को चाहिए थी। शी इज़ द वेरी गर्ल होम आई वॉन्ट टू मैरी। वह वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो ये था आज का हमारा द वेरी का यूज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इस द वेरी का यूज़ पता था तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।